अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुख्तार अंसारी को यूपी में लाया जा रहा है, 22 गाड़ियां लेने गई। देश का कानून सब मानते हैं और हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि अखबारों और टीवी पे पढ़ा है। उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कामकाज है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। आज जो भाषा मुख्यमंत्री जी ने बोली है, ऐसी भाषा लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोली होगी। सोचो, ठोक दो, पेट में दर्द है, पटक के मारो, और विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, शायद लोकतंत्र में शर्म से सर झुक जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चुतिया शब्द का इस्तेमाल किया है मीडिया के। मैं तो दोबारे आ रहा है, आप वैक्सीन कब लगवाएंगे? मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं और लगातार नाम बदलते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरकार या सरकार के लोगों को नहीं करना चाहिए। आप वैक्सीन कब लगवाएंगे? जिस समय फ्री सभी गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी, वो आने वाले समय में सरकार ये बताए कि कब तक गरीबों को वैक्सीन लग जाएगी, और सवाल सरकार ये भी बताए कि सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस जो संस्थाएं हैं, वहाँ के डायरेक्टर या डायरेक्टर के साथ डॉक्टर्स या उसी इंस्टीट्यूशन के रहे पूर्व डायरेक्टर, अगर दो डोज लग जाने के बाद उन्हें कोरोना हो रहा है, तो आखिरकार ये हो क्यों रही है बीमारी? तमाम ऐसे डॉक्टर हैं जिनको दो डोज लगी थी, मिली थी, उसके बावजूद ही बीमारी हो रही है। तो ये सवाल किसके ऊपर किया जाए? इसे सरकार पूरी सफाई के साथ आए और गरीबों को फ्री वैक्सीन दे, और जब तक गरीब नहीं लगेगी वैक्सीन, तब तक समाजवादी लोग इंतजार करेंगे, और समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी गरीबों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी।